हेलो फ्रेंड्स, मिशन सीआईएसएसपी में आपका स्वागत है और मैं आपको आज सीआईए ट्रायड के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये सीआईए ट्रायड का मतलब है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। जैसे कि आप इस स्लाइड में राइट साइड पिक्चर में देख सकते हैं, कुछ लोग इसको बोलते हैं सीआईए ट्रायड, कुछ बुक्स में आपको ये एआईसी ट्रायड के नाम से भी मिल सकता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी से हमारा क्या मतलब है। सो सबसे पहले हम कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में जानते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है सिक्योरिटी का, जो ये बोलता है कि आपका जो एक्सेस है वो खाली सही लोगों को एक्सेस मिलना चाहिए। मतलब आपकी जो इंफॉर्मेशन का जो एक्सेस है वो ओनली अथराइज लोगों को मिलना चाहिए, एंड बाय चांस यदि आपकी इंफॉर्मेशन किसी ऐसे आदमी के हाथ में लग जाती है जो कि नहीं जानना चाहिए, जो कि अनइंटेंडेड है, तो भी आपकी इंफॉर्मेशन को वो पढ़ नहीं पाना चाहिए, समझना नहीं चाहिए। सो दैट इज व्हाट द ओवरऑल मीनिंग ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी हियर। हम इसके बारे में जो थ्रेट्स हैं उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ईव्सड्रॉपिंग एक ऐसा अटैक है, एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर कि एक जो अटैकर है वो बड़े ही ध्यान से कान लगा करके सुनता है बाय डिफरेंट मींस कि अंदर एंटरप्राइज में क्या चल रहा है, और इन्फर करने की कोशिश करता है कि अंदर मतलब इंफॉर्मेशन एक बार उसको मिल जाएगी तो उसके फर्दर एक्शंस वो ले सकता है। जैसे कि आपके इंटरनेट पे ही काफी सारे हैकर्स हैं जो कि अपने स्कैन चलाते रहते हैं, जो कि जितने भी पोर्ट्स हैं कंप्यूटर के उनको स्कैन करते रहते हैं। सो वो जस्ट ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। देन ऐसा ही एक दूसरा अटैक है स्निफिंग। इन स्निफिंग व्हाट हैपेंस इज जो अटैकर है वो नेटवर्क पे या फिर किसी एक पर्टिकुलर एंड पॉइंट पे कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर का पीस लगा देता है जिससे कि उसका जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, जो नेटवर्क कार्ड है, वो प्रोमिस्कस मोड में चला जाता है। अभी हम प्रोमिस्कस मोड क्या है भाई, तो प्रोमिस्कस मोड एक ऐसा मोड है जिसमें कि आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो कि खाली उसी डेटा को रेस्पॉन्ड करना चाहिए जो उसके लिए इंटेंडेड है, वो ना करके आपका जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है वो सारा जो ट्रैफिक आपका नेटवर्क पे जा रहा है सबको वो लॉग करता रहेगा, लॉगिंग करता रहेगा। सो ये एक तरह का पैसिव अटैक है जो कि बाद में अटैकर के द्वारा यूज किया जा सकता है और उसके अंदर से वो इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर सकता है। सो ये हो गया आपका स्निफिंग के बारे में। देन अनइंटेंडेड रेसिपिएंट, आप किसी को मेल भेज रहे हैं और बाई चांस आपने स्पेलिंग ध्यान ना दे करके कुछ टाइप करके भेज दिया और वो कुछ एक ऐसे आदमी के पास चला गया जिसको कि आप भेजना नहीं चाहते थे, तो वो एक तरह से आपका कॉन्फिडेंशियलिटी का ब्रीच हो गया। एक और शब्द यहाँ पर लिखा है शोल्डर सर्फिंग। सो आइए इसको समझते हैं कि शोल्डर सर्फिंग क्या होता है। शोल्डर सर्फिंग होता है कि जब कभी आप कहीं बस में या कहीं पे आप ट्रेवल कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा यदि एक आदमी जो बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है वो लैपटॉप का या फिर डेस्कटॉप का या फिर मोबाइल फोन का किसी भी तरीके से कोई चीज एक्सेस कर रहा है और जो साथ वाला आदमी है वो उसके ओवर द शोल्डर ये ट्राई करने की कोशिश कर रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं, इन्फर करने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी एक तरह से लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है। देन हम जरा इसके काउंटर मेजर्स के बारे में जान लेते हैं। सो पहला काउंटर मेजर जो है वो है एनक्रिप्शन। सो एनक्रिप्शन एज ए होल ये आप एक सीआईएसएसपी एग्जाम के हिसाब से एक थंब रूल बना लीजिए कि जहां पे आपका कॉन्फिडेंशियलिटी आ जाएगा वहां पे ऑटोमेटिकली आपका एनक्रिप्शन इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो ये एनक्रिप्शन आपका एट द रेस्ट भी हो सकता है, जब आपका डेटा रेस्ट पे है, जब आपका डेटा ट्रांसमिशन में है तब भी, दोनों ही स्टेट में आपका एनक्रिप्शन होता है। सो आज आप जहां पे देख रहे हैं एनक्रिप्शन एट रेस्ट एंड एनक्रिप्शन इन ट्रांसमिट,
एनक्रिप्शन एट रेस्ट होता है जब आप पूरा का पूरा हार्ड ड्राइव को या फिर कुछ एक पर्टिकुलर फोल्डर फाइल और फोल्डर को आप एनक्रिप्ट कर देते हैं, सो दैट कोई दूसरा यूजर या फिर कोई दूसरा आदमी जिसके हाथ में वो डेटा लग जाए उसको पढ़ ना पाए, ठीक है। सो वो हो गया आपका एनक्रिप्शन। देन एनक्रिप्शन इन ट्रांसमिट, जब आपका डेटा ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, यदि बीच में कोई आदमी उसको कोई अटैकर उस डेटा को चोरी कर लेता है तो भी आपका एनक्रिप्शन आपके इस तरह से काम आता है कि क्योंकि उस अटैकर के पास आपकी एनक्रिप्शन की नहीं है और आपने ऑलरेडी पूरा डेटा एनक्रिप्ट करके भेजा है तो उसको जम्बल्ड तरीके में डेटा मिलेगा और उसको उसको डिक्रिप्ट करने के लिए की आवश्यकता पड़ेगी जो उसके पास नहीं है। तो ये एक तरह से काउंटर मेजर हो जाता है आपका कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए। इसी तरह से हम देखते हैं कि फिजिकल सिक्योरिटी बहुत जरूरी है क्योंकि यदि आपके पास फिजिकल सिक्योरिटी ही नहीं होगी तो आपके आप अटैकर जो है फिजिकली आपके आपके लोकेशन पे आ सकता है और इन्फर करने की कोशिश कर सकता है कि अंदर क्या चल रहा है या फिर टेलगेटिंग करने की कोशिश कर सकता है या फिर आपको किसी भी तरह से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। देन सिक्योर डिजाइनिंग, सिक्योर डिजाइनिंग में क्या है, ये एक इस तरह की एक एक अप्रोच है जिसमें हम सिक्योरिटी को डिजाइन के टाइम से ही इंप्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं जिससे कि आगे जो फाइनल प्रोडक्ट आए उसके अंदर इंटीग्रिटी ऑलरेडी इंबिल्ट हो। एंड ऑन द सिमिलर लाइंस आपकी कुछ एडमिन कंट्रोल्स होते हैं जैसे पॉलिसीज, स्टैंडर्ड्स, प्रोसेस, ये सारे के सारे कंट्रोल्स भी आपको कॉन्फिडेंशियलिटी में हेल्प करते हैं। देन इसके बारे में हम जानते हैं सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग, व्हाई द ट्रेनिंग इज सो इम्पोर्टेंट, राइट। हम लोग सभी जानते हैं कि जो ह्यूमंस हैं दे आर द वीकेस्ट लिंक इन सिक्योरिटी, राइट। सो हम ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इन ह्यूमंस को हम सिक्योरिटी पॉलिसी से अवेयर करवाएं, हम इस चीज से अवेयर कराएं कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करेंगे तो आपका डेटा ब्रीच हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी में हेल्प करेंगी। सो दोस्तों अब हमने कॉन्फिडेंशियलिटी पढ़ लिया है और हमने इसको समझ लिया है, अब हम चलते हैं दूसरे प्रिंसिपल की तरफ जो है कि इंटेग्रिटी। सो इंटेग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी में फर्क इतना है कि कॉन्फिडेंशियलिटी में हम बोल रहे थे कि जो अटैकर है या फिर कोई भी अनइंटेंडेड पर्सन है उसको डेटा का एक्सेस नहीं होना चाहिए, राइट, एक्सेस नहीं होना चाहिए। इंटेग्रिटी में हम बोलते हैं कि अटैकर को डेटा मॉडिफाई नहीं करने का एक्सेस होना चाहिए, राइट। द अटैकर शुड नॉट बी एबल टू मॉडिफाई द डेटा, और ये एक एस्पेक्ट हुआ। या फिर दूसरा हो सकता है कि कुछ इन्वायरमेंटल रीजन है जिसकी वजह से आपका डेटा रखा रखा ही खराब हो रहा है, या फिर बाद में जब आप उसको यूज कर रहे हैं तो आपने देखा कि डेटा तो करप्ट हो चुका है, या फिर कुछ इंटरनल एरर या फिर कोई वायरस एक्टिविटी जिससे कि आपकी कोई फाइल थी जो आपने बनाई और उसको बाद में आप रेफर करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि वो इंटेग्रिटी उसकी मेंटेन नहीं है, आप उसको करप्ट पा रहे हैं। सो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रिटी। नाउ इसके लिए थ्रेट्स क्या क्या आते हैं, तो जो फैक्टर्स हैं, एक तो एनवायरमेंटल फैक्टर, जैसे कि किसी भी एंटरप्राइज में HVAC बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, H फॉर ह्यूमिडिटी, V फॉर वोल्टेज एंड एयर कंडीशनिंग। सो नॉर्मली ऐसा होता है कि जब एंटरप्राइज में ये सब चीजें मेंटेन करनी होती है, ह्यूमिडिटी, वोल्टेज एंड एयर कंडीशनिंग, सो इसके लिए स्पेसिफिक सिस्टम्स आते हैं, आपको उसमें सेटिंग करनी होती है और वो अपना काम करते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको यहाँ पे कि कैसे इसका इंपैक्ट होता है। आपके पास एक सर्वर है और आपने उसका बैकअप लिया, उसका बैकअप टेप्स में रखा हुआ है। सो आप उसको जहां पे स्टोर कर रहे हैं, उन बैकअप टेप्स को जहां पे स्टोर कर रहे हैं, अगर आपकी HVAC मेंटेन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपकी ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, तो ऐसा होने के पूरे पूरे चांसेस है कि आपका डेटा के ऊपर फंगस आ जाएगी और जब आपको उसकी एक्चुअल जरूरत है तो आप उसको पाएंगे कि ये करप्ट हो गया। सो दैट इज व्हाई एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर सो इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट थिंग इज अनइंटेंशनल मॉडिफिकेशन।
बहुत बार ऐसा होता है कि जो एंटरप्राइज में जो आपके एम्प्लॉइज ही हैं उनको गलती से एक्सेस दिया हुआ है, बट उनको ये पता नहीं है कि ये क्या चीज है, और उनसे कुछ मॉडिफिकेशन हो जाता है जो कि डेटा को करप्ट कर देता है, तो ऐसा भी होने के पूरे पूरे चांसेस है। देन एक और थ्रेट आती है जहां पर जो कि बहुत ही ऑब्वियस है, इंटरनल मॉडिफिकेशन। तो ये इंटरनल मॉडिफिकेशन का बात ही है, ये दो तरीके से आपके पास आ सकती है। या तो ये आ सकती है आपके इंटरनल एम्प्लॉइज, राइट, इंटरनल थ्रेट, जो कि आपका हो सकता है बहुत ही डिसग्रंटेड एम्प्लॉई हो, राइट, डिसग्रंटेड एम्प्लॉई मतलब जो खुश नहीं है कंपनी से, तो वो इस मॉडिफिकेशन को कर सकता है, एंड दिस इज इंटेंशनल, राइट। ऑन द अदर हैंड ये आपको एक्सटर्नल फैक्टर से भी आ सकता है, जैसे कि आपको कोई हैकिंग शैकिंग और ये बाहर से कोई अटैक करने आपको अटैक कर दिया, आपका डेटा मॉडिफाई कर दिया, या फिर कोई वायरस या मलिशियस कोड छोड़ दिया जो कि आपके डेटा को इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं थ्रेट्स जो आपकी इंटेग्रिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। देन इसके काउंटर मेजर्स क्या है, आप ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि जहां भी आपको एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से जहां भी आपको कॉन्फिडेंसिटी मिले तो आप उसको रिलेट कीजिए डायरेक्टली एनक्रिप्शन से, राइट। इसी तरह से जहां पर आपको इंटेग्रिटी मिलती है आप उसको डायरेक्टली रिलेट कीजिए हैशिंग से, राइट। सो हैशिंग क्या है, हैशिंग एक वन वे फंक्शन है। ऐसा ही है जैसे कि आपके हाथ में एक ग्लास है और दोस्तों आप उसको ग्राउंड पे छोड़ देते हैं, लाइक फर्श के ऊपर छोड़ देते हैं, हाथ से छोड़ देते हैं, तो वो टूट जाएगा, और टूटने के बाद ये कैसे भी मुमकिन नहीं है कि आप उसको उसी शेप में ले आए जिस शेप में वो पहले था। तो हैशिंग क्या होता है कि एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो कि किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू को हैश करता है और हमको एक आउटपुट देता है बाय मीन्स ऑफ ए मैथमेटिकल एल्गोरिदम, और वो एल्गोरिदम जो है इरिवर्सिबल होती है। अगर आपके पास हैश है तो आप एक्चुअल टेक्स्ट जो जिससे ये हैश बनाया गया उसको कभी पा नहीं सकते। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जो कि आपको कहीं भी इंटेग्रिटी चेक करने के लिए यूज किया जाता है। इसी इन्हीं लाइंस पर चेकसम भी है जो कि आपके सिस्टम के द्वारा यूज किया जाता है। एचवीएसी हम जस्ट अभी डिस्कस कर चुके हैं। देन फिजिकल एंड एडमिन कंट्रोल, जितने भी फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स होते हैं और एडमिन कंट्रोल्स होते हैं, ये सारे के सारे एडमिन कंट्रोल्स में लाइक पॉलिसीज, प्रोसेस, अवेयरनेस एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स, तो ये सारी की सारी चीजें आपको इंटीग्रिटी मेंटेन करने में मदद करेंगी। दोस्तों अभी तक अवेलेबिलिटी के बारे में जान लेते हैं। अवेलेबिलिटी क्या है, अवेलेबिलिटी वो है एक ऐसा प्रिंसिपल है जो ये बोलता है कि जब आपको एक्चुअली डेटा या सिस्टम की आवश्यकता है आपको वो उपलब्ध होना चाहिए। अगर वो चीज आपको उपलब्ध नहीं हो रही है तो आप ये मान लीजिए कि आपकी अवेलेबिलिटी ब्रीच हो चुकी है। सो अवेलेबिलिटी किन कारणों की वजह से आपकी ब्रीच हो सकती है, जैसे कि इसमें यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर हो सकते हैं, फ्लड हो सकते हैं और आपका अर्थक्वेक हो सकते हैं, उस टाइप की मैन मेड चीजें हो सकती हैं, देन उस टाइप की नेचुरल चीजें हो सकती हैं, सॉरी, एंड देन मैन मेड हो सकती है लाइक टेररिस्ट अटैक हो सकता है या फिर हड़ताल हो सकती है, तो वो सारी की सारी चीजें जो है वो मैन मेड डिजास्टर के अंदर आ जाती है। देन चोरी होना एक स्वाभाविक सी बात है, कहीं पे भी हो सकती है और उसकी वजह से आपकी अवेलेबिलिटी अफेक्ट हो सकती है, आपको सिस्टम जब आपको चाहिए तो नहीं मिलेगा। देन सिस्टम्स फेलियर, आपका सिस्टम में कुछ फॉल्ट आ गया, कुछ कोई चीज एक खराब हो गई और जब आपको सिस्टम चाहिए सिस्टम आपका अवेलेबल नहीं है तो वो आपकी अवेलेबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है। कई बार डी डोस अटैक होते हैं या फिर डोस अटैक होते हैं, ये होते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस या डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। तो इसमें क्या है कि एक इंटेंशन होती है कि मुझे कंप्यूटर को एज ए टारगेट करना है क्राइम का, और इसका रैम या फिर इसकी मेमोरी मुझे इतनी फुल कर देनी है कि ये सिस्टम जो है वो बाकी सर्विसेज को दे ही ना पाए, इसके लिए एक तरह से बोटलनेक हो जाए। तो वो सारी चीजें आपकी डोस एंड डी डोस अटैक में आती हैं जो कि हम डिटेल में आगे किसी लेक्चर में भी पढ़ेंगे। देन गाइस रैंसमवेयर अटैक 2018-2019 इस बात के लिए जाना गया है कि एक रैंसमवेयर अटैक में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है,
रैंसमवेयर अटैक आपका ईमेल के थ्रू आता है, आपको बोलता है किसी लिंक पे क्लिक करने के लिए और आपको लुभावनी सा लिंक देख के आप उस पर क्लिक कर देते हैं, तो रैंसम वेयर का कोड आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो जाता है और जब आप उसको वो बैकएंड में आपके सिस्टम को एनक्रिप्ट कर देता है, उसकी की आपके साथ शेयर नहीं करता, जब आप नेक्स्ट टाइम सिस्टम में लॉग इन करने की कोशिश करते हैं तो वो आपसे पैसा मांगता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही डिवास्टेटिंग चीज रही है 2018-19 में, राइट। हमने काफी सारे अटैक देखे, जैसे कि आपका WannaCry, NotPetya, ऐसे कई सारे अटैक आपके देखे गए हैं। देन काउंटर मेजर्स क्या है साहब इसके लिए? इसके लिए काउंटर मेजर्स है कि CPED, क्राइम प्रिवेंशन थ्रू एनवायरमेंटल डिजाइन। आप अपनी फैसिलिटी को, आप अपने सिस्टम को पहले से ही ऐसा बनाइए, डिजाइन के टाइम पे ऐसा बनाइए कि आपको आगे उसकी अवेलेबिलिटी के लिए परेशान ना होना पड़े, वो आपको ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल हो। देन इंटीग्रेटिंग सिक्योरिटी इन प्लानिंग, ये अगेन आपका सीपीईडी का ही एक तरह से उसी के ऊपर एम्फसाइज कर रहा है। देन फिजिकल कंट्रोल्स हो गए आपके, जैसे अवेलेबिलिटी के लिए आपने फिजिकल कंट्रोल्स लगाए, आपने दो दो जनरेटर लिए हैं और आपने आप लिफ्ट के साथ में स्टेयर्स भी लगाते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि रिडंडेंट सिस्टम आपके पास फिजिकल सिस्टम होने चाहिए। देन लॉजिकल कंट्रोल्स आ जाते हैं हमारे। लॉजिकल कंट्रोल्स का मतलब है कि सारे जितने भी टेक्निकल कंट्रोल्स आपके जो होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्लस्टर्स क्यों लगाते हैं, क्योंकि एक सिस्टम अगर फेल हो जाए तो लोड बैलेंसिंग के लिए दूसरा सिस्टम टेक ओवर कर ले, तो क्लस्टर एक इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। जब एक सिस्टम लेवल पे आते हैं तो हम देखते हैं कि सर्वर्स के अंदर रेड होते हैं, तो रेड भी इसी का एक पार्ट है। ठीक है, एंड एंड ऑफ द स्लाइड आई वुड से दैट यूजर अवेयरनेस बाय डिफॉल्ट तो आप देख ही सकते हैं हर जगह रिक्वायर्ड है, राइट। नाउ अब जब हमने CIA के बारे में जान लिया है, थोड़ा सा जान लेते हैं कि कुछ और इम्पोर्टेंट बातें एज ए सिक्योरिटी एज ए ओवरऑल। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट बैलेंस बिटवीन सिक्योरिटी एंड कंफर्ट। सो अगर इन दोनों टर्म्स को अगर कंपेयर किया जाए तो ये कभी हैंड टू हैंड जाती नहीं। अगर सिक्योरिटी इधर को जाती है तो कम्फर्ट इस साइड को जाएगी। क्यों? क्योंकि जितना आप सिक्योरिटी को बढ़ाएंगे कम्फर्ट उतना नीचे आएगा, दे आर काइंड ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो एज ए सिक्योरिटी प्रोफेशनल आपको ये आइडिया होना चाहिए कि कितना आप सिक्योरिटी लगाएं और क्या आपका कंफर्ट लेवल है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच आई वुड लाइक टू फोकस इज हाउ मच सिक्योरिटी टू इम्प्लीमेंट। दोस्तों सिक्योरिटी के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, तो आप नेचुरल बात है आप अपने सर्वर की सिक्योरिटी पे ज्यादा खर्च करेंगे रादर देन आपका रिसेप्शन पे जो सिस्टम रखा है। क्यों? क्योंकि आपका जो 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 सिस्टम आपका डेटा सेंटर में रखा है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको ज्यादा वैल्यू मिलनी चाहिए इंस्टेड ऑफ सिस्टम जो कि आपका रिसेप्शन पे रखा है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके लिए कौन सा सिस्टम क्रिटिकल है और कहाँ पे कितना पैसा लगना है। Then another thing which I would like to emphasize is proportion varies. ये जो आपका CIA का जो combination है CIA, ये हर एक company के लिए बराबर नहीं होता, ये कोई fix नहीं है। It really depends कि किस type का business company कर रही है। अगर company अगर e-commerce में है तो हो सकता है कि उनकी जो requirement है वो availability and integrity पे ज़्यादा हो, और जो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है उसका खाली ये हो सकता है कि वो लोग कॉन्फिडेंशियलिटी को ज्यादा महत्व दें। ठीक है, बट यहाँ पे ये भी बात समझनी जरूरी है कि तीनों ही चीजें लगेगी। ऐसा नहीं कि अगर आपका फोकस अवेलेबिलिटी और इंटीग्रिटी पे है तो आप कॉन्फिडेंशियलिटी को बिल्कुल भूल जाए, ऐसा नहीं होता है। ओनली ये हो सकता है कि उसका प्रपोर्शन थोड़ा सा चेंज हो जाए। सो दोस्तों आई होप यू माइट हैव लाइक दिस वीडियो, आपको कुछ इससे ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, राइट। अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आपके लिए अच्छी हैं, आपके प्रिपरेशन में आपको हेल्प कर रही हैं, सो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब माय चैनल और उसी के साथ में बेल आइकन आप दबा दीजिए। मैं ये इंश्योर कर रहा हूँ कि आपको नई से नई वीडियोस में जल्दी से जल्दी लेके आता रहूँ। ठीक है, इसके साथ ही आप मिशन CISSP वेबसाइट देखना मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें काफी सारा कंटेंट मैं डालने वाला हूँ। Thanks, Jai Hind.